पहली बात तो ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है, सो ऑब्वियसली मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हूँ। एंड कैरेक्टर के बारे में मैं अभी फ़िलहाल इतना बता सकती हूँ क्योंकि अभी सब देखने वाले हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती इसी वक्त कि द नेम ऑफ द कैरेक्टर इज़ काली, एंड काली यस, एंड शी इज़ नॉट वेरी कन्वेंशनली ब्यूटिफुल टू लुक एट, मतलब गाइज विल थिंक ट्वाइस बिफोर फॉलिंग इन लव विथ दिस गर्ल, अगर हम सिर्फ लुक की बात करें तो, बट शी हैज़ दिस इनहेरेंट ब्यूटी, मतलब वो जैसे गुड्डू के साथ उसकी मुलाकात होती है, गुड्डू दे गेट टू नो ईच अदर एंड दे फॉल इन लव विथ ईच अदर, दैट टाइम मतलब गुड्डू एक्चुअली रियलाइजेज दैट लुक डजेंट मैटर एट ऑल, इफ यू वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ समवन द पर्सन हैज़ टू बी ब्यूटिफुल फ्रॉम इन साइड, सो दैट इज़ द कैरेक्टर ऑफ काली। मैम आपकी ये पहली फिल्म है तो कितना मुश्किल है, कितना आसान रहा बाकी कोस्टार के साथ कोप अप करने? देखिए पहली बात तो ये है कि मुझे ये फिल्म का ऑफर कोलकाता में मिला था, बिकॉज आई मेट द डायरेक्टर्स शांतनु एंड शीर्षा का द डायरेक्टर, सो आई मेट शांतनु इन कोलकाता एंड दैट टाइम ही ऑफर्ड मी द फिल्म एक्चुअली, तो ऑब्वियसली मतलब मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुंबई आके यहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ा, तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज है, हमेशा रहेगा ये मेरे लिए एडवांटेज, और क्योंकि बहुत मतलब ये फिल्म 90% ऑफ द फिल्म हैज़ बीन शॉट इन कोलकाता, तो वहाँ पे ऑब्वियसली मेरा एक डिफरेंट कॉम्फर्ट जोन है, बट मुझे पता है बिकॉज इट्स अ नेशनल फिल्म, इट्स अ हिंदी फिल्म, तो राइट नाउ आई एम हियर इन मुंबई, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड आई ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दिस फिल्म, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड यू नो आई जस्ट विश दैट एवरीबॉडी लाइक्स द फिल्म, एवरीबॉडी लाइक्स माय परफॉर्मेंस इन दिस फिल्म एंड आई एम एक्सेप्टेड इन मुंबई। मैम किसी ऑडिशन के बिना या किसी किसी सोर्स सिफारिश के बिना जब कोई रोल मिलता है तो मतलब आप फिल्मों को किसी भी करेक्टर को मिलता है हमें तो हाँ। उसको हम कितनी लापरवाही या कितने ध्यान से लेते हैं उसको या आप फिर लापरवाही तो से तो कुछ भी नहीं ले सकते लाइफ में, बिकॉज यू हैव टू बी सीरियस अबाउट लाइफ, तो आपको हाँ आपको कोई चीज़ आसानी से मिल सकता है लेकिन आपको उसे मेंटेन करना पड़ेगा, अगर मुझे अगर आसानी से एक फिल्म मिल गया उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है मुझे तो मिल गया अभी क्या करना है, अभी तो मुझे मिल गया तो ये मेरे लिए बहुत ईजी है, आगे भी ईजी होगा तो मुझे कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है, किसी के साथ भी नहीं होता है, बिकॉज ये मेरी फर्स्ट फिल्म है, लास्ट फिल्म तो नहीं है, मुझे तो आगे भी काम करना है, तो मुझे यहाँ पे अपने आप को प्रूफ करने का एक चांस मिला है, सो आई वांट टू यूटिलाइज दैट टू द फुलेस्ट। मैम एक फिल्म में जब तीन चार करेक्टर होते हैं तो कितना कितना मुश्किल होता है अपना अभिनय दिखा पाना या कितना आसान हो जाता है कि हम भी एक एक्टर हैं और हमें भी देखो? देखिए ऐसा है कि आजकल बहुत सारे फिल्म ऐसे बन रहे हैं जो एंसेंबल स्टार कास्ट है, तो वहाँ पे यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर वर्क, आप वहाँ पे ये इनसिक्योरिटी में नहीं जी सकते क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स हैं तो मुझे कौन देखेगा, ऐसा कभी नहीं होता है, सबके लिए अपना अपना अपनी अपनी जगह है फिल्म में, तो अगर आप अच्छा करोगे तो आपको लोग देखेंगे, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, यू जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट एंड गिव योर बेस्ट, दैट्स इट। तो मैम आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ऑसम रहा है या मतलब आपको लगा कि बहुत मुश्किल है एक्टिंग वगैरह और ये फिल्में करना? देखिए अब मतलब ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है लेकिन मेरी पहली फिल्म नहीं है क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ, मैंने कोलकाता में बहुत सारी फिल्म्स मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मेरे लिए एक्टिंग इज़ लाइक आई लव एक्टिंग, आई लव व्हाट आई डू जनरली, तो मेरे लिए ये मुश्किल नहीं था, मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था और मैं नर्वस थी क्योंकि ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है, तो उस वजह से एक्साइटमेंट नर्वसनेस होना बनता है इतना मुझे ऐसा लगता है। नोटिस कैसे हुए डायरेक्टर्स को कि आपने कुछ थिएटर वगैरह किया या कुछ एक्टिंग क्लासेस ली? जी नहीं मैं फिल्म्स करती हूँ कोलकाता में, सो आई हैव डन अबाउट 22 फिल्म्स इन कोलकाता, सो मतलब वहाँ पे मतलब इनिशियली एक देयर इज़ अ पर्सन इन कोलकाता हु वाज़ सपोज टू हैंडल द यू नो द आर्ट ओवर देयर तो कोलकाता में, तो ही रेफर्ड माई नेम, ही इज़ बेसिकली डू टू पॉन घोष ब्रदर, सो ही रेफर्ड माई नेम टू शांतनु एंड दैट्स हाउ आई मेट शांतनु। थैंक यू सो मच मैम, और हम चाहते हैं कि आपकी ये पहली फिल्म, पहली हिंदी फिल्म बहुत कामयाबी करे और आपको बहुत नेम फेम पैसा सब कुछ मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
गुड्डू की गन, ये गन बहुत ही अनोखी गन है। हम लोग ने, आप लोगों ने देखा होगा, गन के ऊपर बहुत एक्शन फिल्में बनी है, थ्रिलर्स बने हैं, गैंगस्टर फिल्म बनी है, हमने पहली बार कॉमेडी बनाई है। तो ये कहानी का यूएसपी है कि गन के ऊपर क्या कॉमेडी है। सबसे जरूरी गन, गन गन तो भाई ये समझ रहे हैं ये कौन सी गन है जी। इसको मुंडू भी कहते हैं और डिंगडोंग भी कहते हैं। तो इस गन को, इस मुंडू को, इस डोंगडोंग को जरूर देखना है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि गन को नुन्नू भी कहते हैं, डिंगडोंग भी कहते हैं, तो ऐसा कभी नहीं लगा कि टाइटल लग दिया जाए कि गुड्डू की नुन्नू? नहीं एक्चुअली वैसे अब आपने बोला तो गुड्डू की नुन्नू भी बड़ा प्यारा है। पार्टी हो जाएगा होपफुली। एक्चुअली क्या था कि मैंने अपनी नानी माँ को ये बताया कि जी मैं गन पे एक फिल्म बना रहा हूँ, तो उनको लगा कोई हम लोग एक्शन फिल्म बना रहे हैं, तो एक्सप्लेन करने लगा तो मुड़के बोली नुन्नू पे पिक्चर बना रहे हो? तो उस टाइम तक टाइटल ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका था, तो मैंने कहा इससे पहले कि प्रोड्यूसर साहब हमें मारे गुड्डू की गन ही रोने दो। गुड्डू की गन में एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, कैची एक फ्लेवर है। अगर उसको बिट्टू का लट्टू या बुन्नू का नुन्नू करते तो मुझे लगता नहीं वो वाली बात बनती। इसमें बहुत बहुत एक क्वालिटी है इसके अंदर। कुणाल को कास्ट करने की वजह क्या थी? आप लगता है कि जस्टिस कर पाएंगे वो जो कॉमेडी सिनेरियो है उसमें? कुणाल एक बहुत ही सुपर एक्टर है। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो कोई भी रोल, चाहे वो सीरियस हो चाहे वो कॉमिक हो, बहुत अच्छी तरह से करता है। और कॉमिक टाइमिंग तो उसकी इम्पेकेबल है। अगर आप उसकी गोलमाल या गो गोवा गॉन देखें, इज डन ए ग्रेट जॉब। तो प्लस लुक वाइज ऑल्सो, पर्सनैलिटी वाइज, कॉमिक टाइमिंग वाइज वो हमारी फिल्म में बिल्कुल फिट बैठता था। क्योंकि कहानी एक बिहारी की है, एक वॉशिंग पाउडर सेल्समैन है जो कलकत्ता में रहता है और औरतों के भाभियों के घर जाके वॉशिंग पाउडर बेचता है। तो वो ओवरऑल हर एंगल से वो फिट बैठा फिल्म के अंदर, तो इसलिए हम लोगों ने उसको इंस्टेंटली सोचा कि कास्ट करें। और ज़्यादातर एक्ट्रेस नहीं है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कितना कैच कर पाएंगे व्यूअर्स को? देखिए जो भी कास्टिंग हुई है वो कैरेक्टर के हिसाब से हुई है। हमें ऐसा लगा कि अगर हम किसी एस्टैब्लिश नेम के साथ जाते तो शायद वो एक प्री कंसीव नोशन ऑडियंस का हमेशा रहता है। तो इसलिए जब हमने कास्ट किया तो हम बहुत क्लियर थे कि हमें एक फ्रेश फेस चाहिए था। उससे फिल्म में भी एक फ्रेशनेस आती है, ऑडियंस लुक फॉरवर्ड भी करती है, और ऑडिशंस के टाइम में भी बड़ा मज़ा आता है। वो इसलिए कि जो भी ऑडिशन के लिए आया करता था वो कहता था कि अरे यार सब्जेक्ट क्या है, तो जैसे ही हम गुड्डू की गन बोलते थे लोग भाग जाते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट पे विश्वास किया और इसलिए वो कास्ट। और हमारी कास्टिंग में हमने बहुत मेहनत की है। हमारे आधे एक्टर्स जो है, क्योंकि फिल्म कलकत्ता में बेस्ड है तो वहाँ पे कलकत्ता में एज इट इज़ इतनी अच्छी फिल्म इंडस्ट्री है, इतने अच्छे एक्टर्स हैं वहाँ पे, तो हमने आधे एक्टर्स कलकत्ता के, आधे एक्टर्स यहाँ के। पायल ने फिल्म में, हिंदी फिल्म में डेब्यू किया है, वहाँ पे वो बिग स्टार है अपना कलकत्ता में, कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री में। तो इट्स अ मिक्स ऑफ बंगाली एक्टर्स एंड बॉलीवुड एक्टर्स। आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ एनसेंबल टू लुक फॉरवर्ड टू। फिल्म में म्यूजिक काफी मायने रखता है, कोई हैपनिंग म्यूजिक है, कोई हैपनिंग गाना है इस फिल्म में? जी धाएं धाएं धन गुड्डू की गन, वो हमारा टाइटल ट्रैक है, हमें बड़ा पसंद है। और आई थिंक इस फिल्म का म्यूजिक ऐसा है कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आप म्यूजिक को और इन्जॉय करेंगे। जो आजकल के जैसे गाने चल रहे हैं उससे थोड़ा हट के है म्यूजिक। अच्छा। बहुत ही सिचुएशनल है। एक कवाली है जो एंड में आती है जो बड़ी मज़ेदार है, एक बहुत ब्यूटीफुल लव सॉन्ग है रहबरा, वो भी बहुत अच्छा है। और कोई भी फिल्म आइटम नंबर के बिना कम्प्लीट नहीं होती। तो हमारी एक स्पेशल आइटम गर्ल हैं जिनको हम लंदन से लेके आए हैं, लेसी बैंगार्ड, तो वो एक डिंग डोंग करके गाना है, तो वो डिंग डोंग में है। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आप उसका जैसा कि आपने बताया कि ये जो बड़ी अनोखी फिल्म है, ऐसी पटकथा कभी हॉलीवुड और बॉलीवुड में भी आई नहीं है, उसका आइडिया कैसे आया? मतलब क्या रियल लाइफ से लिया गया है या यही बताएंगे और को देख के लिया गया है? नहीं 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 एक्चुअली पता नहीं मैं क्या खा के या पी के सोया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे को सपना आया और सपने में मेरे को यह है कि जो मेरी गन थी वो सोने की हो चुकी थी। तो मैंने सुबह उठ के शीर्षक को फ़ोन किया, मैंने बोला ऑयल एक्स पे भेज दे और मैंने कहा यार बड़ा अजीब सा एक सपना आया। तो कहने लगे कि यार क्यों ना इस पे एक कहानी लिखी जाए। तो मजाक में ये बात शुरू हुई और हमने कहानी लिख दी। और हमें कभी यकीन नहीं आता था कि हमें कोई ऐसा प्रोड्यूसर मिलेगा जो इस कहानी को बनाएगा या कोई एक ऐसा एक्टर मिलेगा जो इसको करेगा। लेकिन जहाँ पर भी हम जाके हमने ये पिच करना शुरू किया तो लोगों के रिएक्शन बड़े कमाल थे। तो हमें लगा कि कुछ स्पेशल है। और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनको एक फैमिली फिल्म बनानी थी, स्विट्ज़रलैंड की लोकेशन और ये वो। तो जब हमने उनको ये बताया कहते तौबा तौबा हम तो भाग रहे हैं। और जब हम कुणाल को कॉन्टैक्ट करने लगे तो ना उसने हमारा फ़ोन उठाया ना उसने SMS किया, बड़ी मुश्किल से हम उनके तक पहुँचे। और जब आई थिंक फर्स्ट टाइम मिले तो उन्होंने बोला भैया वो दरवाज़ा है प्लीज़ जाइए। और फिर उनका फ़ोन आया कि अच्छा स्क्रिप्ट छोड़ जाइए। तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्होंने हाँ की एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट द फिल्म वर्क्ड। देख सकते हैं ये फिल्म को अगर जी आप ये खुद भी देखें और आप फैमिली के साथ भी देखें और फिर एक बार और फैमिली के साथ देखें, अलग अलग बैठ के भी देख सकते हैं, छुप छुप के देख सकते हैं, जैसे मर्जी देखिए, बट डाउनलोड मत करिए, बस यही मैं बोल रहा हूँ। हॉल में जाके देखिए, पायरेसी मत करिए। थैंक यू सर।
मुझे कुछ अपने कैरेक्टरों के बारे में बताइएगा। अरे आप भी ऐसे पूछने लगे, देखिए कैसा इन्फेक्शियस है गुड्डू का किरदार, सब ऐसे ही बातें करते हैं, हम भी ऐसे सीख लिए। कैरेक्टर वा के बारे में क्या बताएं, इसका कैरेक्टर वा कुछ ऐसा है कि ये है तो बिहारी, रहता कलकत्ता में है और वॉशिंग पाउडर का सेल्समैन है, तो घर घर जाके भाभियों से मिलके उन्हें वॉशिंग पाउडर बेचता है, उन्हें कपड़े कैसे दिखाने हैं, धोने हैं, सिखाता है। और ये करते करते क्योंकि दिल से थोड़ा रोमांटिक है तो रोमांस भी करता है, लेकिन फिर ऐसा ही उसके करणीय की वजह से एक दिन जब वो उठता है सुबह तो उसे पता चलता है कि अब तो रोमांस कर ही नहीं सकता क्योंकि जो गन है वो सोने की हो गई है। तो अब यही समझने की कोशिश कर रहा है पूरी पिक्चर में कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये ठीक होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा। तो यही सारी दुविधाओं से जूझता हुआ जो गुड्डू का किरदार है इस पर इन लोगों ने फिल्म बना दी है। जैसे हमने शांतनु जी और शीशी जी से बात की जी, वो बता रहे थे कि पहले तो हम उनके घर पे गए तो कुणाल ने कहा कि बोरा गेट जी जी, बाद में ये बोले कि स्क्रिप्ट छोड़ दीजिए और आप भाग जाइए, ऐसा कहना था आपका? ऐसा नहीं बोले हम, बोले कि भाई का है, क्या पिक्चर बना रहे हो, तो बोले हम गन पे पिक्चर बना रहे हैं। हम बोले अच्छा एक्शन पिक्चर बना रहे हो, बोले नहीं कॉमेडी। मैं बोला अच्छा फिर का है क्या है, बोले लेकिन सर ये वो गन नहीं जो आप समझ रहे। हम बोले हम कौन सा गन समझे आपको कैसे पता, तो बोले ये वो गन है। तो हम बोले ये वो गन है तो वो दरवाजा रहा, वहाँ से निकल जाइए, कि हम तो ना करेंगे, इसी अश्लील पिक्चर बना रहे हैं आपकी कॉन्सेप्ट के चक्कर में। फिर हमें लगा हम बहुत जल्दी इन पे कॉन्सेप्ट अश्लील है लेकिन फिल्म अश्लील नहीं है। देखिए कॉन्सेप्ट भी अगर आप एक तरह से देखें तो अश्लील कैसे है, अगर आप इसे नुन्नू कहें तो प्यारा हो गया, वहीं गाली से बोल दें तो फिर गंदा हो गया। तो हम थोड़ा क्या है सोचे नहीं, फिर हम बोले स्क्रिप्ट पे भेजो, स्क्रिप्ट पे भेजो, तो हम बोले अरे तो उसी जोन में है जिस जोन में हमें बड़ा मजा आएगा काम करने में, तो फिर हम पिक्चर। नुन्नू और गन में कोई अंतर नहीं होता, शब्द का अंतर है भाई। आपकी श्रद्धा नाम में कहते हैं का रखा है, हम कहते हैं कभी कभी नाम में ही बहुत कुछ रखा है। किसी को प्यार से बुला लें तो अच्छा मान लेगा, किसी को गाली दे के बुलाए तो चौंक जाएगा। वही बात है कि कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है, ह्यूमर एक ऐसा जोन है जिसको अगर आप सही से कर जाए ना तो बहुत बड़ी बात और बहुत जो आप अश्लील सोचते हैं उसे बड़ी अच्छी तरीके से कैसे निकल जा सकते हैं। लेकिन यही अगर गलत कर दें तो बहुत ही सादी और सरल बात को भी आप ऐसे बता सकते हैं कि लोग बोले अरे भाई काहे बोल दिए। देखिए अभी इसमें तो क्या है कि कुछ स्क्रिप्ट में होती है, कुछ डायरेक्टर के जहन में होती है और कुछ एक्टर उसमें खुद जोड़ता है, ये टीम वर्क होता है। अब देखिए कॉमेडी अगर बिल्कुल ही नहीं हो तो फिर आप कैसे कर लेंगे, और कई बार बहुत होती है आप उसे और करने की कोशिश करते हैं तो ओवर कॉमेडी हो जाती है और बिल्कुल हंसी नहीं आती, तो बहुत ही बारीक किस्म का मामला है। जो अगर सही से कर गए तो लोड पोड कर देंगे, अगर नहीं कर पाए तो फिर लोग कहेंगे काहे एक्टिंग कर रहे भाई। अच्छा घिरे हुए तो कुछ बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगता है जब इतने सारे खूबसूरत खूबसूरत चेहरे सेट पे होते हैं। पिछला हम गोवा कौन किया था तो भयानक भयानक लोग घूम रहे थे, इस बार भाभियाँ हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ, इसीलिए तो हम आज ये पूरा स्क्रीनिंग है वो पूरे देश भर से सिलेक्ट करके भाभी लाए। हम बोले आप देखिए और हमें अपना ग्रीन झंडी दीजिए, हरी झंडी करके हमें बताइए कि आपको अच्छी लगी फिल्म की, कैसी लगी। तो बात भी करेंगे आप उनसे? काहे नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल बात करेंगे, बात करेंगे, उनके साथ फिल्म देखेंगे, उनका रिएक्शन भी सुनेंगे जी बिल्कुल। तो आगे अगर हम बात करें सोहा जी है, करीना है, तो जी उन लोगों को भी आप मतलब वो कितनी एक्साइटेड है? बहुत, हम कल हम दिखा रहे हैं शाम को फिल्म सबको। अच्छा अब देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है, अच्छा ही होगा हमें तो लगता है। सेंसर बोर्ड से हमें सर्टिफिकेट मिल गई है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उनका कि हमें इस माहौल में भी एक सर्टिफिकेट दे दी जहाँ फिल्म में बैन हो रही है। तो अब यही कहेंगे दर्शकों से जब इतने स्ट्रिक्ट सेंसर बोर्ड से हमें सर्टिफिकेट मिल गई है तो आप लोग ना डरें और बेधड़क 30 को आके फिल्म देख लें। कुणाल जब आप एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं जी तो सिर्फ मजा ही आना चाहिए या कुछ हमारे एक दायित्व होता है कि समाज को भी मैसेज देना है, तो उस बारे में सोचते हैं? देखिए कहीं ना कहीं हर एक पिक्चर की अपनी जोन होती है, हर पिक्चर कहीं ना कहीं मैसेज देने के लिए नहीं बनती, कुछ फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए बनती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैसेज भी है फिल्म के अंदर वो ऐसा प्रीची टाइप नहीं होना चाहिए कि लोग बोले कि भाई हम क्लास थोड़ी आए हैं लेक्चर सुनने के लिए। वही मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि अगर ह्यूमर हो या कहानी हो उसमें किस तरह से खेल के आप किसको क्या समझाते हैं, जैसे देखिए ओ माय गॉड बनी या पीके बनी जिसमें एंटरटेनमेंट के माध्यम से कितनी बड़ी बातें कह दी हूँ, वैसे ही एक छोटे तरीके का मैसेज इस गुड्डू की गन में भी है जो हम फिल्म में देखेंगे। जैसे आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आप घर में डिस्कस करते हैं कि ऐसी कोई स्क्रिप्ट आई है मैं करूं कि ना करूं या सारा डिसीजन आप अभी हो? मैं बिल्कुल करता हूं, लेकिन देखिए हम ये सोच रहे हैं आप इस इंटरव्यू को कैसे लेंगे कि हम इतने मजे में आए थे अभी पसीना आ गया हमें, हमारा एक्सेंट भी छूटे जा रहा है, अब काहे इतना संजीदा हो रहे हैं, थोड़ी अच्छी बातें कीजिए, थोड़ी लाइट बातें कीजिए। भोजपुरी में बात करते हैं? नहीं हम तो कश्मीरी हैं, हम कश्मीरी में बात करते हैं, तो अभी हम आजकल भोजपुरी चल रहे हैं। हमारी सुनहरे अक्षरों में जाए हमारी कहानी रची। थैंक यू।